पहले मैं जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी श्रोता हैं, देवतारूपी श्रोता, सबको प्रणाम और गणपति बप्पा मौर्य। बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले साल भी मैंने मेरे घर पे बप्पा आए थे और इस साल भी हम आए हैं और जब तक हम लोग रहेंगे इनकी सेवा करते रहेंगे और इनके शरणों में अपने कुछ पल बिताएंगे। और क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं आज इनके दुआ से यहाँ पे हैं और जो भी हमने पाया है कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद और इनका कृपा रहा है तभी हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं आप, तो कैसे बप्पा को तैयारी कर, इतना दिनों से आपने तैयारी की है, क्या बताना चाहेंगे? जो भगवान हमें इतना बड़ा बना के भेज दिया है तो अगर भगवान के लिए भी हम एक दिन टाइम नहीं निकाले तो फिर तो हमारी ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ऐसा तो हर इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि इंसान से बढ़कर भगवान होता है और भगवान से बढ़कर इंसान नहीं होता है। हम मानते हैं कि भक्त बड़ा होता है भगवान से, लेकिन भगवान से बढ़कर भक्त तभी होता है जब उसकी पूजा होती है। अब जब वो अपने भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप देता है तब वो बड़ा हो जाता है उसके कृपा से। तो आज अगर हम इतने बिजी होते हैं तो बिजी भी इन्होंने ही किया है और इनके लिए एक दिन टाइम निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। और बप्पा से इस साल आप क्या मांग रहे हैं, क्या आपकी मुरादें? मैं बप्पा से, बप्पा ने जो दिया है अगर मैं उसी को संभाल के चलूँ तो शायद आजीवन मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। और बप्पा ने इतना बड़ा नाम दिया है, इसी नाम को मैं चाहूँगा जब बप्पा जब तक मैं जीऊँ इसी नाम के साथ ऐसे ही रुतबा मेरा बना रहे और मुझे मेरे पब्लिक का आशीर्वाद मिलता रहे और मेरी पब्लिक मेरे से कई गुना ज़्यादा खुश रहे। जब वो खुश रहेगी तो शायद खेसारी लाल यादव के भी घर में खुशहाल होगा और दिए जलते रहेंगे और ऐसे ही दीपावली मनती रहेगी, क्योंकि मेरे घर में दिया जलता है तो इनके घर के पैसे से आता है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा बप्पा से यही कहूँगा कि हमारी पब्लिक इतनी खुश रहे कि इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपकी फिल्म आने वाली होगी प्यार कीजिए, डिले हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं डिले का एक कारण है कि बाढ़ में बहुत सारे लोग तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे घर तबाह हो चुके हैं और इसके वजह से हम लोगों ने फिल्म को आगे कर दिया कि जब हर घर में बजेगा माता का गीत तभी होगी हमारी प्यार की जीत। तो जब माता का गीत बजेगा तो हम होगी प्यार की जीत को लेके आएंगे और सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे। इस दुख की घड़ी में हम लोग अपने फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते और इस दुख की घड़ी में हम बिजनेस नहीं कर सकते और उनके दुख के पैसे, उनके तकलीफ के पैसे से हम अपने फिल्मों को नहीं चला सकते हैं। अदरवाइज दुनिया क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नुकसान और मेरा फ़ायदा दोनों भी इनसे जुड़ा हुआ है, तो मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनके तकलीफ़ में हूँ और आजीवन रहूँगा। ये जब तकलीफ़ में रहेंगे तो मेरी अपनी तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ के साथ मैं भी हूँ। तो मैं आज बप्पा से बहुत सारी मन्नतें मांगी कि बप्पा हमारे जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको अच्छे से रखो और उनके छत, उनके सर से जो छत हटा है वो जल्दी उनके सर पे आ जाए, उनकी तकलीफ़ जो हुई है वो तकलीफ़ें जल्दी दूर हो जाए और वो खुशहाल रहें ताकि हम लोग भी उनकी खुशियों में शामिल होकर अपने आप को खुश रखें। जैसा कि आपने कहा कि बाढ़ पीड़ित लोग काफ़ी परेशान हैं, तो आप भी काफ़ी साल वहाँ रहे हैं, तो क्या इस तरह का कुछ आपके साथ भी हुआ है? आज मैं जब था तो उस समय हम लोग का थोड़ा सा ऊंचाई पे घर है तो हम लोग के घर में कभी कभी बाढ़ की पानी आती थी, लेकिन इतना मैंने कभी नहीं देखा जो अभी की स्थिति मैंने देखा। छपरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा में तो कुछ ज़्यादा ही बाढ़ से परेशान लोग थे, इतना कि मैंने अपने आँखों से देखा। मेरे बड़े भैया बुलबुल मिश्रा जी ने वीडियो भेजा था तो जब देखा तो खुद मैं रो पड़ा और भैया से बोला तो भैया ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ मदद की लोगों का और बाकी कई जगहों का वीडियो भैया ने मुझे बना के भेजा। तो बहुत दिल को तकलीफ़ हुई कि अगर मैं शायद आज यहाँ नहीं होता तो मेरा भी घर उस घर में से एक होता, लेकिन नहीं, आज उतने सारे घर से हमारा घर चलता है। तो मेरा शुभकामना उनके साथ है कि वो जल्दी से उभर जाएं उस बाढ़ की चीज़ों से, अपने तकलीफ़ों से, ताकि हमारे घर में खुशियां जल्दी से लौट जाएं। और आप काफ़ी अच्छा गाना भी गाते हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो बप्पा आए हैं एक गीत हो जाए। गणपति बप्पा मेरे, गणपति बप्पा मेरे, हर लो कलेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। ये मिला जी, बहुत अच्छा डेकोरेट किया आपने, किसने किया? देखिए 500 में ले आया है उसको ढेर में। हाँ, हम डेकोरेट नहीं करते हैं, हम अपना शरीर आज तक डेकोरेट नहीं किए,
हमारी मेहरारू जो खरीद देती है पहन लेते हैं, और हम 500 में वो खरीद के लाए हैं, बढ़िया बढ़िया था। तो हम बोले कि नहीं, अभी थोड़ा सा परेशान है हम भी, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे तकलीफ है। तब हम 5000 के कहे कि हम डेकोरेटन करें, भगवान छोटी सी भी में रहते हैं तो खुश रहेंगे, कुछ पैसा बचा के हम उनकी मदद करेंगे जो जिनके सर से छत नहीं है। तो हमको अगर कुछ करना होगा तो हम उनके लिए करेंगे, इन्हीं को सब कुछ देना है मुझे। तो ये तो ऑलरेडी इतना दे दिए हैं कि इतना आलीशान बंगलों में इनको मैं रखा हूँ, और मैं क्या रखा हूँ, इनका हक है, इन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ है। तो 500 में खुश हैं, ये भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। फैमिली के कुछ मेंबरों का नाम लेना चाहेंगे अभी आपके साथ है? हाँ, मेरी बेटी है कृति, मेरा बेटा है ऋषभ, मेरी वाइफ है चंदा, मेरा भाई है सोनू, और बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे फैमिली में और मैं अपनी बेटी से मिलाना चाहूँगा। कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृति एक मेरी जो बेटी है, मेरी किस्मत बदल दी है, यही मेरी बेटी है, बैठो, यही मेरी बेटी है, इसने मेरी किस्मत बदल दी। जब ये पैदा हुई थी उसके बाद ही मैं स्टार बना। पक्का ना कृति, आप भी स्टार? यस। आप बोलो, पूछ रहे हैं अंकल कुछ? आप बाबा से कुछ मांगे हैं आशीर्वाद? मांगी हूँ क्या? कि मैं एक IPS बनूं, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी बनूं, और मैं IPS बन के सबको अरेस्ट करूं। अच्छा, पापा को अरेस्ट करूं? पापा को अरेस्ट करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा है। ये फिल्म में बहुत सारे मर्डर करते हैं, वो नकली है। अभी आप काम कर रही हो कौन सी फिल्म में? दुल्हन गंगा पार के। दुल्हन बन गया इतना छोटा में? नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूँ, कोई और हीरोइन। अच्छा अच्छा, कितना में आपको फिल्म में साइन किया? 21 लाख। 21 लाख में? तो पापा को तो आपके पहली फिल्म में इतना पैसा नहीं मिला था। लेकिन मैं तो ले रही ना। तो बड़ा स्टार हो गया आप। हाँ। अच्छा, और छोटा कोई आपको भाई है? हाँ है। क्या नाम है उनका? ऋषभ बेटा, ऋषभ यादव। इधर आ जा बेटा, ये है ऋषभ जी। नहीं 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 रोते, नहीं रोते, नहीं रोते। रो रहे हैं आप? नहीं रोएंगे आप, नहीं रोएंगे। स्टार्टअप है ना, अब ये 50 लाख लेगा। आप 50 लाख लेना बेटा, 50 करोड़ देंगे। बोलो गणपति बप्पा मौर्या, कल मरते मौर्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलो सबको बेटा, थैंक यू। इंग्लिश में बोलो थैंक यू। थैंक यू, बाय एवरीवन। और कुछ? नथिंग नथिंग।